गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आए बिल्कुल ठीक होंगे, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप ये साल पूरा हमारा भोले बाबा की कृपा से अच्छा जाए, बहुत अच्छा, सब हेल्दी रहें और बहुत अच्छा जाए। तो अभी हम मंदिर जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। आज हम सबका फास्ट है तो बच्चों को लेके जा रहे हैं, मैं और दीदी, तो जल चढ़ाने जा रहे हैं अभी हम। तो चलिए चलते हैं, आपको भी मैं दिखाती हूँ। मौसी फॉल में जो मंदिर है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ आज भंडारा भी है, काफ़ी बड़ा भंडारा लगता है, तो चलिए चलते हैं। और ये रही हमारी बाड़लोगंज से मॉर्निंग व्यू। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। मैंने सोचा चलते चलते आपको अपने घर से, अपनी बालकनी से पूरा व्यू दिखाएं। बहुत दिन हो गए आप लोगों ने ये व्यू नहीं देखा होगा, तो मैंने सोचा ये वाला व्यू आपको दिखाते हैं। हमारे घर से जो व्यू दिखता है पूरा देहरादून है, हमारे गांव का, बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए देहरादून, और क्लियरिटी नहीं थी आज, क्लियर नहीं था। गुड मॉर्निंग बोलते सबको। गुड मॉर्निंग, अच्छे से बोलो। गुड मॉर्निंग, क्या खा रहे हो? देखते देखते भूल ही गया था। अच्छा, क्या खा रहे हो? कौन बोल रहा है? क्या खा रहे हो बेटा? क्या खा रहे हो बेटा? मैं आपको तो दिख ही रहा होगा, ब्रेड। इसने जी क्या चल रहा था? कैसा हो रहा? टेस्टी? आपका फेवरेट है ये? हाँ। खाओ, अच्छे से खाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग बोल दो आप भी। गुड मॉर्निंग। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? यस। वेरी गुड। आपने क्या खाया? ब्रेड और मेयोनीज। ब्रेड एंड मेयोनीज? मेयोनीज खाई। वेरी गुड। अच्छा लगता है आपको? बहुत टेस्टी। तो डेली वही खाओगे? नहीं, नहीं। क्यों? वो थोड़ा सा जंक फूड होता है। जंक फूड होता है, हेल्दी नहीं होता। ओके गुड, चलो। तो आयांश और मैं अभी वॉक करते हुए जा रहे हैं। आयांश किधर जा रहे हैं? पता नहीं। मौसी फॉल मंदिर। और अब बच्चे स्कूटी में जा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, आयांश को बीच में बैठाओ। बोलो बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो हैप्पी महाशिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि बच्चों। चलो चलो चलो, मैं बैठ गई हूं। चलो चलो, आराम से जाना, टाइट पकड़ना। बाय बाय। ये देखिए, ये यहाँ से खेत वाला गांव, और ये है हमारा कंपनी बाग। तो अब हम मंदिर आ गए हैं। यहाँ से देखिए पूरा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, अच्छे से शिवरात्रि मनाते हैं यहाँ पे। मंदिर की एंट्रेंस है यहाँ से। ये जो नदी है इसके ऊपर ये ब्रिज बना है, ब्रिज पूरा ऐसे हमें इन्होंने कवर्ड कर दिया है, तो बारिश में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ साइड में हम शूज उतार रहे हैं, कोई साथी वॉश कर लेंगे बाद में। ये पूरी नदी जाती है नीचे और अभी इसके अंदर जाएंगे। ये देखिए, ये पूरा ब्रिज है और दोनों तरफ ऐसे रिवर के ऊपर बनाया है, और बहुत ठंडा है।
ये है शिवरात्रि का प्रसाद यहाँ पे। हमारे गांव के सब लोग आज शिवरात्रि के अच्छे से मनाने। ये अंकित है, ताई जी का पोता, आपको मिलाया था ताई जी से, ताई जी आई थी, ताई जी का पोता है। और यहाँ क्या बन रहा है अंकित? यहाँ बन रही है कढ़ी और खीर। कढ़ी और खीर बन रही है और चावल। देखिए सुबह से पूरा भंडारे का तैयारी शुरू हो जाती है। जी चावल बन चुके हैं, अभी खीर और कढ़ी बन रही है। ये देखिए सुबह से पूरी प्रिपरेशन और अब होने वाला है स्टार्ट। देखिए पूरी सीढ़ियां हैं, अब वापस जा रहे हैं हम। दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी अभी, और बहुत अच्छे से पूरा मेंटेन किया हुआ है। पूरे देखिए डस्टबिन लगाए जगह जगह, तो पूरा कहीं पर भी गार्बेज भी नहीं है। और ये लोकेशन इतनी अच्छी है, बहुत ही प्यारा है पूरा, ये जो नेचुरल भगवान ने बनाया है बहुत ही सुंदर। और ये देखिए बच्चों ने तो जहाँ पानी देखा वहाँ पानी में जाने की जिद। पानी में तो मतलब जाना ज़रूरी है, बिल्कुल अगर देखा है तो जाना ही है। तो बस फिर हम भी आ गए बच्चों के साथ वाटरफॉल के पास, मौसी फॉल जो है यहाँ पे बहुत ही फेमस। और अभी ये देखिए बहुत हवा चलने लगी है अचानक से, इतना अच्छा वेदर हो गया, धूप भी है और हवा भी चल रही ठंडी ठंडी। और अब मैं भी क्रॉस कर रही हूँ यहाँ पे। मौसी फॉल है, बच्चे मौसी फॉल आए हैं क्योंकि मंदिर जो है वो मौसी फॉल के पास है। तो पानी देख के और वाटरफॉल देख के बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए और कहने लगे कि हमें यहाँ आना ही है। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे ये आए हैं। सयांश का जो लोअर है वो पानी में भीग गया है और पूरा गीला हो गया है। अदिति उसे अब सुखा रही है थोड़ा, क्योंकि वो पूरा पूरा गीला हो गया। और अब हम दर्शन करके आ गए थे और अब घर जा रहे हैं। आयांश देखिए आगे आगे जा रहा है, तो अब हम बस स्कूटी पिक करेंगे और घर जाएंगे। अभी इस बार रास्ता चेंज किया हुआ है, दूसरी साइड से घूम के एंट्री है और यहाँ से एग्जिट है। तो ये पूरी बाइक्स लगा रखी है रास्ते में, आप देख सकते हैं। बलून, बलून।
और हमारे मामा जी से मिलिए, हमारे प्यारे मामा जी। मामा जी हेलो बोल दीजिए व्यूअर्स को। हेलो 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 एवरीवन। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे मामा जी? बहुत बहुत अच्छा है आप लोग आए। शिवरात्रि की शुभकामनाएं दे दीजिए सबको। शिवरात्रि की शुभकामनाएं और होप कि अगले साल भी आप फिर आओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और आपने कर लिए दर्शन? मैंने सबसे पहले सुबह कर लिए। हाँ, मामा जी तो यहीं पे रहते हैं, तो मामा जी और सब ऑर्गेनाइज करते हैं। 30 सालों से लगातार हम सेवा में रहते हैं शिवरात्रि। जी जी, मामा जी और लोग ही सब ये ऑर्गेनाइज कराते हैं यहाँ पे। ये सारी पार्किंग, ये सारी पार्किंग है टू व्हीलर्स की। और देखिए सब कार से भी आए हैं, नीचे कार पार्किंग है। ये पूरा ऊपर से बार्लोगंज से रास्ता आता है नीचे मंदिर के लिए। ये देखिए, ये है खेत वाला और ये है मामा जी का घर। अभी मिले थे आप मामा जी से? जी, रेड छत वाला जो है वो उनका घर है, जिसे कहते हैं खेत वाला गांव। और देखिए पूरी स्टेप फार्मिंग, बहुत ही सुंदर। सारे गेहूं लगे हुए हैं आजकल, पूरे खेत ग्रीन हो रखे हैं गेहूं से। देखिए मैं वो नीचे वाली रोड से आ रही हूँ ऊपर पूरा चढ़ के, और मैं देखिए कितनी दूर आ गई हूँ। अभी मैंने जूम करके दिखाया था तो आपको पास लग रहा था, ये देखिए, बट मैं इतनी हाइट में आ गई हूँ। बहुत नीचे है मंदिर। और ये देखिए बच्चे बड़े सब आते जा रहे हैं नीचे मंदिर के दर्शन करने के लिए। पूरे बहुत रश है आज नीचे, अब काफ़ी लोग आ रहे हैं। सब मोस्टली नीचे मौसी फॉली आते हैं इस एरिया के लोग। और देखिए वान्या ने आज को घर पे ड्रॉप करके दीदी मुझे अब लेने आ गई थी, तो मैं दीदी के साथ अब स्कूटी से जा रही थी। तो हम आ गए, अब घर घर पहुंच गए। कैसे लगे दर्शन करके यार मंदिर जाके? कौन से भगवान जी के दर्शन किए आपने? भूल गया। भूल गया? शिव जी के बेटा। शिव जी? हाँ, शिव जी के दर्शन किए ना। सबके क्यों नहीं? महाशिवरात्रि है ना, सबके क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे शिवलिंग है ना, सिर्फ शिव जी का मंदिर है वो। तो सबका मंदिर का है? और जगह अलग अलग जगह होते हैं ना, तो अलग अलग जगह सबका मंदिर है। हम अभी शिव जी के मंदिर में गए थे, वहाँ पे हमने दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा, है ना यश? हाँ। फिर बच्चों को तो दीदी स्कूटी में ले आई थी, फिर मेरे को लेने आई दीदी, फिर हम दो स्कूटी से घर आ गए। अभी बस जस्ट घर पहुँचे, इन्होंने तो कपड़े गीले ही कर दिए थे सारे, तो कपड़े चेंज कराए। और देखिए आयाश क्या लेके आया है वहाँ से। आज लेके आपने ले एक डायनासोर बलून। वाओ, ये पूरी वीडियो को खा जाएगा। दोनों बच्चे आयान चंदवानी अपने अपने लिए एक एक बलून लेके आए हैं और दर्शन करके आए अच्छे से। तो आज फास्ट था इसलिए बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गए थे, मंदिर भी गए थे, तो इवनिंग में कुछ ज़्यादा खास शूट नहीं कर पाए। तो चलिए यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, एंड शुभ रात्रि।